ये टावर्स इस्लामिक आर्ट से बहुत रिजेंबल करते हैं और जाहिर करते हैं कि मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। टावर वन टोटली ऑक्यूपाइड है पेट्रोनास से और टावर टू में मुख्तलिफ कंपनीज को लीज पर ऑफिसेस दिए गए हैं। इन टावर्स के इर्द गिर्द 17 एकड़ जमीन पर मुख्तलिफ पार्क्स बनाए गए हैं जिनमें जॉगिंग, वॉकिंग पाथ, फाउंटेन्स, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड शामिल हैं। जी जनाब, ट्विन टावर्स कुआलालंपुर और 88 स्टोरीज ईच, दोनों टावर्स की 88 स्टोरीज हैं। आपका भी गलत है जवाब, आपका भी गलत है, आपका भी, लेकिन आपका करीबी था, मतलब 110 जो है। तो मेरा गलत कैसे हुआ? आपका 116 आपने कहा था, दोनों को मिलाएं 88 और 88 हाँ। फिर भी 116 नहीं बनते। आई एम सॉरी, चलो जड़ियां वादियां उला दे, 174 बनते हैं। जो ज्यादा बढ़ गई उसको उतार दें ऊपर से। अच्छा ठीक है, उतरो। आपके आपके लिए मैं बात करता हूँ मलेशिया के सदर से कि ये नो, मैं उन्हें बुलांदा नहीं। अच्छा, मेरा झगड़ा हुआ इसमें ना, बड़ा कंफ्यूज सा क्वेश्चन था, हम तो नहीं मानते। अच्छा हाँ। चले अगले वाले पे, आप वो आप बताना था कि एक एक का बताए ना, तो मैं बताती थी। आई न्यू इट, मुझे पता था, मैंने खुद इसमें दिहाड़ियां लगाई हैं। राज के ये पहले मलेशिया लगा, राज की हमारा प्रोग्राम जारी है, लेकिन यहाँ पे लिए एक छोटी सी ब्रेक, आपने जाना कहीं स्टेशन। कह रहा था और मैंने आपसे कहा था कि रफाकत भाई लाइव सिंगिंग में अपना सानी रखते हैं और यकीन करें इट्स अ ट्रीट टू हेयर हिम जब लाइव अक्सर प्रोग्राम्स में मेरा इत्तेफाक हुआ है। एक इनका गाना जो कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद, चांद से चेहरे कसत का तो उतारा कीजिए, पता नहीं आपने सुना सुना हुआ आपने? रफाकत भाई मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गुनगुना दें, जरा सुना देता हूँ, माहौल अच्छा हो जाएगा। साज नहीं है लेकिन फिर भी आदत बड़ी पड़ जाती साजों की। हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजे, चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजे, ताली भी मारा। आपका स्केल है फाटक भाई, जी जी, कहाँ से आप, मतलब ये रियाज किया जी कोई, माशाल्लाह शुरू से। वैसे इन बात मैं थोड़ा हार्ड कोर सिंगर हूँ, मुझे जरा फरोग भाई बात ये है कि खालिस गाने वाले हैं ही नहीं है, जो बिल्कुल सामने बैठ के लाइव दो दो घंटे गाए, उसके लिए बहुत रियाजत की जरूरत होती है जो इन भाइयों के पास है। वरना आप देखें जिधर भी जाते वो अपना ट्रैक बना होता, सीडी लगा दें जी, लाइट चली गई तो सिंगर रुका हुआ है। लेकिन ये एक खान साहब को अता है, बेशक आप आपके पास कोई चीज होती है तो आप उसको पॉलिश करते हैं, बेशक बेशक। और ये रियाजत तो पॉलिश, मैं आपको बताऊं कि यही बात है कि इन जैसे सिंगर्स हैं जिनकी वजह से लोगों का लाइव म्यूजिक में इंटरेस्ट जो है वो कायम है, इन जैसे सिंगर्स और भी माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड सिंगर्स मौजूद हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एक डाइंग आर्ट जिसे कहते हैं ना, कि अब सीडी और इतना मॉडर्नाइज हो गया, ट्यूनर्स आ गए, इतना आवाज को चेंज मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये जो लाइव सिंगिंग का आर्ट था ना, ये आहिस्ता आहिस्ता दाद आपको हमेशा लाइव सिंगिंग में मिलती है। मैंने देखा है हमारे कई शोज माफी के साथ टीवी पे ऐसे हो रहे होते हैं, लोगों का पोटेंशियल देखना चाहते हैं, लेकिन पीछे सीडी लगाने के बाद जो ऑडियंस होती है वो भी मोनोटोनस हो जाती है। हाँ। वो भी इस तरह बैठ के इस तरह से कर रही है, उनको पता होता है फिक्स गा रहे, जब आपने एक नोट लगाना है, सुर लगाना। हाँ। ओ से यो रल दे बोरी बदाई मैं बर पाया है राजन, तो आदमी फील कर रहा था यार मन को सुना रहे हैं, तो मैं कुछ मुझे भी कुछ कंसीव करना चाहिए। गाने वाले को भी इसमें आमद होती है। नहीं, हाँ, नहीं। और जब आप गाना लगा होगा आपको दाद मिल रही तो आप मुंह हिला रहे होंगे, माइम कर रहे होंगे, तो सामने वाला भी माइम ही होता है। वो भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फजर कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हो आजकल आप, किस किस्म के प्लेस कर रही हो? मैं कैरेक्टर ऑमलेट बनाना बता रही हैं। अच्छा ठीक है। इसके अलावा वो फलियां जो होती हैं उसको पक के पकाने के ऐसे वो बता रही हैं। ऐसे कि मैं बाकी सवाल भी आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि सारे जवाब तो आपको
कहा था आपको जी, ठीक है पूछ ले, मैं कौन सा लड़ा हुआ? अच्छा नहीं, मैंने तो पहले कहा था वो कुर्सी बदल लेती है, ये होना तो नहीं नहीं प्लीज आप बात करें, मैं बोलता ही नहीं, नहीं आप करें, अच्छा सानू की लोड़ है बोलने दी। कैसा फिर अनॉयड कर दिया ना मैंने आपको, बहुत नाराज लग रहे हैं आज, लगता है कुछ प्रोग्रामों का चेक नहीं मिला अभी तक। नहीं नहीं वो चेक की मैंने शर्ट बनवा ली, यहाँ पे पहले चेक मिलते हैं। ये चेक को इनकैश कराना चाहते हैं, अभी मुझसे डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ आधा मिनट रहना है चुप, उसमें बात कर लें जल्दी से। नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं बोलने की, आप बात करें, आधा मिनट भी नहीं देंगे। अच्छा बोल के कौन सा बंदे को अवार्ड मिल जाता है, इससे बेहतर खामोशी थी, बोल के बंदा फंस जाता है। हाँ फंस जाता है हमें आप बात करें, हमें चुप। भैया आप तो पुरानी माइयों की तरह, आप भैया आप फनकार आदमी, आप इस मसले में ना ही आए। अच्छा एक मिनट के लिए खामोश हो सकते हैं आप सखावत, वरना तो डर गए तमिल फिल्म के हीरो। हमें ये बेसिक बेसिक वजह ये है कि उनको बोलने का ही तो मिलता है। नहीं नहीं सानू लौट के चुप। अच्छा फिर जल्दी से बताएं कि आप आजकल कौन से, जल्दी बता दें फिर गाड़ी निकल जानी, बता दें चेती, इन्होंने सवारी बिठा के तो निकलना है, करेंगे ये फंस गया अगला सवाल, चेती बता दें इनको। अच्छा मैं बात कर लूं, इजाजत है? करो जी करो, मैंने पूछ के मैं जी कर रही हूँ ड्रामा, उसमें सीरीज भी कर रही हूँ। कर लो जी सीरियल कर रहे, ड्रामे सुन लो, पूछ लो कौन सी सिचुएशनल कॉमेडी भी, सीरियल जी इतने चल रही वही कर रही है, कौन सी कर रहे हैं ये? हाँ जी सिचुएशनल कॉमेडी की जुगन काजिम और फैसल रहमान के साथ, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, और उसमें जुल्कुनैन साहब भी थे उनके साथ भी बड़ा मजा आया काम करके। और तो फिर उसके बाद हाँ सीरियस की, फिर अभी लास्ट जो प्रोजेक्ट किया वो शबकत चीमा साहब के साथ किया है, विच वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। शबकत चीमा साहब हीरो थे आपके ऑपोजिट? नहीं वो मेरे उसमें बने हुए थे ताया, ताया बने, लेकिन उनके साथ बड़े वो सीरियस किस्म के सीन थे और बड़े फुल ऑफ एनर्जी, और वो उन्होंने वो छुरा निकाल लिया और वो छुरा मारने लगे दुश्मन के ऊपर, तो वो मैंने रोका उनको। ताया भी बने हो तो उनका एतबार नहीं है, लड़ाई झगड़े में वो इतने हैं कि वो घोड़ा चुके भाजपा। आजाद हमारा प्रोग्राम जारी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, आपने जाना कहीं स्टेशन।